हेलो फ्रेंड्स, चैनल रेकिया फ्री है, मर्सल में आप लोग को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, ओएनजीसी की तरफ से अप्रेंटिस का न्यू भर्ती आ चुका है। ओएनजीसी का जो फुल फॉर्म है, ऑयल एंड नेशनल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से अप्रेंटिस का न्यू भर्ती आया है। इसमें आप लोग को अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन जो है सिंपल 10 पास 12 पास ग्रेजुएशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आपका पास है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस पोस्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखोगे तो इस पोस्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। वीडियो को अच्छे से देखो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है। तो गाइस, इस पोस्ट के बारे में डिटेल में जानने के लिए चुके हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है indiafastjobalert.com, यहाँ पे आप लोग को सभी जॉब की जानकारी, अप्लाई लिंक, रिजल्ट, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ आप लोग को आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा indiafastjobalert.com, ठीक है। तो यहाँ पे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, नहीं तो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा पोस्ट, थोड़ा नीचे हमें स्क्रॉल करना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते देखने को मिल जाएगा इसका जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है, यानी कि जो भर्ती कराया जाएगा, तो ये ऑयल एंड नेशनल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये पोस्ट निकाला गया है, अप्रेंटिस का पोस्ट है, ठीक है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई का जो लास्ट डेट रखा गया है 20 सितंबर 2023 तक आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो टोटल जो वैकेंसीज देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट 2500 इसमें वैकेंसीज देखने को मिलेगा, 2500 इसमें टोटल वैकेंसीज देखने को मिलेगा। ये एक अप्रेंटिस का पोस्ट है। अप्रेंटिस का मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अप्रेंटिस एक कोचिंग टाइप का होता है। मतलब दोस्तों, यहाँ पे जो ऑयल एंड नेशनल गैस, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप एक मतलब आईटीआई करते हो जैसे, ठीक उसी तरह से दोस्तों वहाँ पे जाके आप सीखना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको सैलरी भी मिलेगा, मतलब डायरेक्ट ये नौकरी नहीं है, ठीक है। ये जो अप्रेंटिस का भर्ती है ये 1 साल का होता है। ये करने के बाद आप लोग को एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वहाँ से एक सर्टिफिकेट आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद जब भी ONGC के अंदर जो भी पोस्ट आएगा, तो आपको जो है अगर आप वो सर्टिफिकेट सबमिट करोगे तो आप लोग को आसानी से ONGC के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ONGC के अंदर ही मिलेगा, मतलब अदर कोई सेक्टर है उसमें भी आपको नौकरी मिल सकता है अगर आपके पास ये अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट रहेगा तब, ठीक है। मतलब ये जो अप्रेंटिस का पोस्ट है, ये जो 1 साल का जो कोर्स है, ये करने के दौरान आप लोगों को सैलरी भी मिलेगा, कुछ पैसा भी मिलेगा, आप लोगों को हर महीने पैसा भी मिलेगा, लेकिन आप वहाँ पर सीख भी सकते हो, ठीक है। तो ये अप्रेंटिस इस टाइप का होता है, मतलब एक सर्टिफिकेट मिलता है, परमानेंट जॉब नहीं है, ये 1 साल का कोर्स टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा हमें नीचे स्क्रॉल करना होगा। तो यहाँ पे आप सेक्टर, बहुत अलग अलग सेक्टर है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 सेक्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पे नॉर्थर्न में तो यहाँ पे 159 पोस्ट है, वेस्टर्न सेक्टर में यहाँ पे 732 पोस्ट है, यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर में आप लोग को 202 पोस्ट देखने को मिलेगा, मुंबई सेक्टर के अंदर आप लोग को 436 पोस्ट देखने को मिलेगा, साउथर्न सेक्टर के अंदर आप लोग को 378 पोस्ट देखने को मिलेगा, ईस्टर्न सेक्टर के अंदर आप लोग को 593 वैकेंसीज में आपको देखने को मिल जाएगा। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एज लिमिट कितने से है, आप यहाँ पे देख सकते हो, 18 ईयर्स से लेकर 24 ईयर्स तक जनरल कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर आप एक एसटीसी कैंडिडेट हो तो 5 इयर्स प्लस हो जाएगा, यानी कि 29 इयर्स तक आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट हो तो आप लोगों को जो है 3 इयर्स प्लस हो जाएगा 4 के साथ, यानी कि आप 27 इयर्स तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक पीडब्ल्यूडी हो तो 10 इयर्स प्लस हो जाएगा, यानी कि आप 34 इयर्स तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट 40 पोस्ट, अलग अलग पोस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट देख सकते हो, लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसमें सिंपल 10 पास होने से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो है केबिन रूम अटेंडेंट का पोस्ट है, जिसमें 10 पास होने से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ड्रेसर का पोस्ट है, इसमें भी सिंपल 10 पास होने से भी अप्लाई कर सकते हो। हाउसकीपर का पोस्ट है, इसमें भी 10 पास होने से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है, इसमें 12 पास होने से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर, सिंपल ग्रेजुएशन वाला कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इस टाइप से बहुत सारी यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फिटर आईटी, मतलब अगर आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि अगर आप आईटी हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मतलब आईटी के अंदर जो भी पोस्ट होता है, जैसे कि फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, MMB हो गया, तो बहुत सारी पोस्ट होता है ना, टर्नर वगैरह जो भी पोस्ट होता है, तो यहाँ पे सभी पोस्टों की रिलेटिव यहाँ पे सभी आपका जो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख के आप खुद अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट है, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 40 अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग है, ये जो ट्रेनिंग होगा ये 12 मंथ का आपको ट्रेनिंग होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ट्रेनिंग जो होगा ये 12 मंथ का ट्रेनिंग होने वाला है आप लोगों का। इसमें अगर आप ग्रेजुएशन अप्रेंटिस करना चाहोगे तो उसमें आपको जो सैलरी मिलेगा हर मंथ, तो यहाँ पे 9000 रुपीज़ सैलरी मिलेगा ग्रेजुएशन अप्रेंटिस का। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस का जो अगर पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आप लोग को 7000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। अगर आप डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करोगे तो आप लोग जो है इसमें 8000 रुपीज़ पर मंथ आपको इसमें सैलरी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई का जो लिंक वगैरह है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 सितंबर 2023 से इस पोस्ट के लिए अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, 20 सितंबर 2023 तक ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई चलता रहेगा।
तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे अप्लाई का जो लिंक है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा, यहाँ पे ऑफिशियली जो जारी हुआ एडवर्टाइजमेंट है उसका भी लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करते आप देख सकते हो ऑफिशियली जो जारी हुआ एडवर्टाइजमेंट है, तो यहाँ पे डाउनलोड होता हुआ आप लोग को दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये ऑफिशियली जारी हुआ एडवर्टाइजमेंट है जो कि ONGC की तरफ से आया है। अप्लाई का जो लास्ट डेट है 20 सितंबर 2023 तक ही आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप ONGC का जो अप्रेंटिस का पोस्ट है उसमें अगर करना चाहते हो तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने ना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहता है, तो इस वीडियो को उसको शेयर कर देना, उसको भी मदद मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।